वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। हमारे महान वैज्ञानिक गैलीलियो साहब सर 1475 ईस्वी में ही ग्रहों की खोज कर ली थी। तब से लेकर आज तक खोजें जारी रहीं और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज रॉकेट उन ग्रहों तक भेज सकते हैं और वहां की तस्वीरें एवं अन्य जानकारियां धरती पर बैठे बैठे पता कर लेते हैं। तो हम आज रॉकेट के इसी सफर के बारे में बात करेंगे कि धरती से निकलकर उन ग्रहों पर जाते हैं और उनसे डाटा लेकर वापस आते हैं। तो चलते हैं अपने सफर की ओर। तो सबसे पहले इन रॉकेटों का पहला काम धरती से लिफ्ट करा के इनके ऑर्बिट तक भेजना होता है। 3600 किलोमीटर की एक ऑर्बिट होती है जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। पृथ्वी ऐसा एक विशालकाय ग्रह किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ खींच सकता है, इसीलिए ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इनको ले जाना होता है। इनके लिए सबसे पहले नीचे सॉलिड बूस्टरों का यूज किया जाता है। ये सॉलिड बूस्टर रॉकेटों के सबसे निचले हिस्से में लगे होते हैं और इनके लिए पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को बढ़ाते हैं और ये ग्रेविटी फ्री हो जाते हैं, फिर सफ़र की ओर चलते हैं। और ये बीच का सफ़र सबसे लंबा होता है, इसके लिए दो स्टेज होते हैं और दोनों को दोनों ये लिक्विड स्टेज के फ्यूल यूज करते हैं। इनके अंदर हाई प्रोसेसिंग वाली मशीनें लगी होती है जो खुद ब खुद सेटेलाइट के डेटा और स्टार के पोजिशन से ये खुद पता कर लेती है कि किधर की ओर जाना है और चल पड़ती हैं अपने सफ़र की ओर। इनका पहला चरण अपने सॉलिड बूस्टरों की सहायता से धरती के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचना। जब ये सॉलिड बूस्टर ख़त्म हो जाते हैं तो इनका दूसरा जो लिक्विड बूस्टर है वो एक्टिवेट होता है। तो ये दूसरा लिक्विड जो बूस्टर है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये देखिए दूसरा लिक्विड बूस्टर ये एक्टिवेट हो गया। अब ये ऊपर के सेटेलाइट को लेकर चल दिया मंजिल की ओर। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा कुछ देर बाद। तो ये फिर क्या करते हैं, फिर से टूटते हैं और ये फिर इनके बाद जो लास्ट के जो लिक्विड बूस्टर है वो बचता है, वो लास्ट में इनको पेलोड को ले जाने में काम आता है। जब रॉकेट मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो इनके लास्ट में लगे हुए जो बूस्टर है मेन बूस्टर वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट बूस्टर जब प्लैनेट पहुंचते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी और डायरेक्शन देते हैं किधर क्यों जाना है, तो इनको बचा के रखा जाता है। तो ये पेलोड को लेके अपने जो प्लैनेट है उसकी ओर चल देते हैं और ये लास्ट बूस्टर जब एक्टिवेट किए जाते हैं, जब ये प्लैनेट के नज़दीक पहुंचते हैं और ये एक्टिवेट करके अपने डायरेक्शन और वेलोसिटी को फाइंड करके ये किसी भी ग्रह पे लैंड कर सकते हैं। तो ये अब लगभग ये अपने जो प्लैनेट है वहां तक पहुंच चुका है। ये देखिए लास्ट का जो बूस्टर है वो एक्टिवेट कर दिया है। अब ये इंटर कर गया अपने प्लैनेट की ओर। अब ये जो लास्ट का पेलोड है वो इसको जो प्लैनेट जिस प्लैनेट की ओर जा रहा है उसको पेलोड को गिरा देगा। तो ये फिक्स पोजीशन जहाँ पे टारगेटेड पोजीशन है वहाँ पे ये एक्टिवेट करके गिरा देता है। अब ये इनके वायुमंडल में घर्षण से ये देखिए जल रहे हैं। अब इनके अंदर जो लास्ट पेलोड है जिसके अंदर मेन जो लैंडर या रोवर रखा है या कुछ भी उसको ये गिराया जाता है और ये पैराशूट की सहायता से ये धीरे धीरे ये दो तीन स्टेज में पैराशूट खुलते हैं और ये धीरे धीरे पेलोड को आसानी से जहाँ पे गिराना है वहाँ पे ये गिरा देते हैं फिक्स पोजीशन में जिस एरिया में इनको गिराना है। तो ये देखिए धीरे धीरे ये गिर रहा है। तो ये पेलोड वाली मशीनें अन्य ग्रहों पे जाके उतरती है और वहाँ का जो डेटा है वो सैटेलाइटों की सहायता से हम तक पहुँचाती है।